हेलो स्टूडेंट्स इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्बशन वी हैव कवर्ड पाथवे ऑफ एलिमेंट्री केनाल टीथ टंग एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री केनाल इफ़ यू डिड नॉट वॉच दोज वीडियोज़ देन यू कैन वॉच बाई क्लिक ऑन आई बटन और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने दे दिया है आप वहाँ से भी देख सकते हैं इन दिस वीडियो वी विल कवर ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड सो विदाउट डीले लेट्स गेट स्टार्टड डाइजेस्टिव ग्लैंड अब डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं ऑल दोज ग्लैंड विच कम अंडर डाइजेस्टिव सिस्टम आरकॉल डायजेस्टिव ग्लैंड वो सारे ग्लैंड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आते हैं तो हम उन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं ठीक है एंड दे आर फाइव इन नंबर्स फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड सेकेंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड देन लिवर पैंक्रियस एंड इंटस्टाइनल ग्लैंड इस वीडियो में हम गैस्ट्रिक ग्लैंड और एंटेसाइनिक ग्लैंड को कवर नहीं करेंगे जब हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड का तब हम वहाँ तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे गैस्ट्रिक uh, ग्लैंड के बारे में और एंटेसाइनिक ग्लैंड के बारे में इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड लिवर एंड पैंक्रियस के बारे में सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सलाइवरी ग्लैंड एज यू ऑल कैन सी ऑन बोर्ड दैट देर आर थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड फर्स्ट इज पैरोटिड्स सेकेंड इज सब मैगजलरी और यू कैन ऑल्सो से सब मैंडिब्यूलर एंड थर्ड वन इज सब लिंग जो पैरटेड सलाइब्रिक लैंड होते हैं दे प्रेजेंट नियर द चीक ओके एंड इट इज द लार्जेस्ट सलाइब्रिक लैंड एंड सेकेंड इज सब मैग्जिलरी और सब मैंडिब्युलर अब ये जो सलाइब्रिक लैंड होता है ये लोअर जॉके जस्ट नीचे होता है यहाँ पर कुछ होता है यहाँ पे होता है ठीक है मैंने आपको बताया था ये आपका अपर जॉ होता है ये आपका लोअर जॉ होता है अपर जॉ को हम कहते हैं मैग्जिलार एंड लोअर जॉ को कहते हैं मैंडिबल हम्म तो सब मैंडिबुलर सब मतलब होता है बिलो तो सब मैंडिबुलर मतलब बिलो द लोअर जॉ तो ये देखो ये ग्लैंड जो है बिलो द लोअर जॉ है इसलिए इसका नाम पड़ गया सब मैंडिबुलर अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरीके से अपर जॉ के भी तो नीचे ही आ रहा है ना ये तो इसलिए हम इसे सब मैगजलरी भी कह सकते हैं ठीक है ठीके? लास्ट वन इज सब लिंगल सब मतलब बिलो लिंगुअल मतलब टंग सो बिलो द टंग तो ये जो ग्लैंड होता है ये जो लास्ट ये जो लास्ट ग्लैंड होता है ये प्रेजेंट होता है बिलो द टंग दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सब लिंग एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आई होप ये चीज क्लियर हो गया आपको ठीक है अब ये जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड है दैट इज पैरोड्स सब मैं एंड सब लिंगल ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा में मेनली चार चीज़ें होती हैं एक बार हम उस पर नज़र डालते हैं एस स्टैंड सलाइवरी अमाइलेज अब इसके नाम में देखो एज लगा हुआ है एज का मतलब होता है एज हम उसमें यूज़ करते हैं जो एंजाइम होता है इट मीन्स इट इज़ ए एन्जाइम पहली बात ये, दूसरी बात ये कि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अमाइल भी है ओके तो इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट अगर कहीं भी ये वर्ड आए ना अमाइल तो आप समझ जाना कि ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं तो पहली बात हमने देखा कि ये एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज और दूसरी बात ये किस चीज़ का एंजाइम है इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मतलब ये जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ठीक है और सलाइवरी एमाइलेज को ही हम कहते हैं टाइलिन भी कहते हैं ओके दूसरा है आपका एम स्टैंड फॉर म्यूकस एंड म्यूकस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं म्यूकस क्या करता है ये लुब्रिकेट करता है ओके okay. तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स अब इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन एंड लास्ट वन इज लाइसोजाइम लाइसोजाइम इट इज अट इज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट ओके ये ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता तो है तो मेनली चार चीजें होती हैं तो आप इन सबको इस तरीके से याद कर सकते हो एक निमोनिक बन गया यहाँ पर स्मेल एस एम ई एल ओके तो एसटैंड एमाइलेज एमस्टेंट्सर म्यूकस ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एल फॉर लाइसोजाइन और सलाइवा में कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है तो आप वाटर को भी याद कर सकते हो इन चार के अलावा ओके आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया आपको सलाइवरी ग्लैंड स्मॉल टॉपिक है कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये तो हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वन इज़ लिवर हेपार। हेपार का मतलब होता है लिवर तो अगर आपको कहीं भी ये वर्ड मिले हेपार या फिर हैपैटो तो उसका क्या मतलब होता है लिवर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आर बॉडी अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर रहता है अपर राइट साइड ऑफ एबडॉमनल कैविटी जस्ट बिलो द जो अपर राइट साइड होता है एबडॉमनल कैविटी का हाँ कैविटी आप जानते हो क्या होता है तो एबडॉमल कैविटी का जो राइट right साइड होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है जस्ट बिलोटा डाइफ्राग्म डायफ्राग्म के जस्ट नीचे होता है अब आप देख रहे हो डायग्राम में लिवर का डायग्राम है हाँ ये ग्रीन जो है गोलब्रेडर है ये पैंक्रियस है और ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ये डुअ है ये तो आप देख सकते हो लिवर के दो लोब्स है या फिर आप कह सकते हो दो हिस्से हैं इसके ये राइट लोब है ये लेफ्ट लोब है जो लिवर के बारे में जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको रटना नहीं है अगर आप समझ के याद करोगे ना तो हो जाएगा आसानी से लिवर के अंदर क्या होते हैं हाँ ये जो ये जो राइट लोब और जो लेफ्ट लोब है लिवर का इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं क्या होते हैं लोब्यूल्स अब ये लोब्यूल्स कहाँ पर होते हैं लिवर के अंदर होते हैं तो इस लोब्यूल का नाम क्या हो गया हिपैटिक लोब्यूल्स हो गया हिपैटिक मतलब मैंने आपको बताया लिवर होता है तो इसलिए इसका नाम हो गया हिपैटिक लोब्यूल्स हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं ना ये हेक्जेगनल शेप में होते हैं ठीक है हिपैटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हिपैटिक लोब्यूल्स जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल तो उसी की तरह जो हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं वो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर के ठीक है जितने भी हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं लिवर में हम्म वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू शीत से कवर होता है और उस थिन कनेक्टिव टिश्यू शीत को हम कहते हैं ग्लिसंस कैप्सूल हाँ सो ग्लिस कैप्सूल क्या होते liver, हैं ईच हेपैटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीत कॉल्ड ग्लिसंस कैप्सूल इट इज़ अ कैटिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलियन लीवर जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूम्स ह्यूमन्स भी मैमल्स में आते हैं तो उन सभी मैमल्स के लिवर में एक ग्लूसंस कैप्सूल पाया जाता है अब देखो हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं अब आप मुझे बताओ कि उस सेल का नाम क्या होगा देखो ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट है लिवर के अंदर प्रेजेंट है अब मैंने आपको बताया कि लिवर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हिपैर या फिर हिपैटो तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा हिपैटिक सेल्स हो गया अब ये जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये कैसे अरेंज होते, है? होते हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स अब कॉर्ड्स होता क्या है कॉर्ड्स मतलब होता है रोप हम्म तो ये जो हिपैटिक सेल्स होते हैं ये कॉर्ड्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं जस्ट लाइक रोप अब देखो इन सारे हिपैटिक का सेल का काम क्या होता है हिपैटिक सेल का काम होता है बाइल को सिक्रीट करना तो हम कह सकते हैं कि बाइल कहाँ पे सिक्रीट होता है लिवर में सिक्रीट होता है बिकॉज हिपैटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द लिवर क्लियर है आपको ये अब हम इस डाइग्राम को समझते हैं इसमें देखो बिल्कुल भी रटना नहीं है अगर आप समझ के पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये देखो ये देखो ये राइट लोब है लिवर का और ये लेफ्ट लोब है ये देख रहे हो ना आप ये जो वाइट वाइट सा ट्यूब बना हुआ है ये एक्चुअली में है क्या ये सब डक्ट्स हैं ये ठीक है अब देखो ये डक्ट्स कहाँ तो प्रेजेंट है ये राइट लोब में प्रेजेंट है और ये डक्ट डॉ तो प्रेजेंट है लेफ्ट लोब में प्रेजेंट है ठीक है तो इन डक्ट्स को हम क्या बोलेंगे इन डक्ट्स को हम बोलेंगे राइट हिपैटिक दे आर प्रेजेंट इन राइट लोब ऑफ लिवर क्लियर और हिपैटिक मतलब क्या होता है लिवर सो

गॉल बिल्डर के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा ठीक है गॉल बिल्डर का मेन काम होता है बाइल को स्टोर करना और उसको कॉन्सनट्रेट बनाना ठीक है और बाइल का काम क्या है बाइल का काम होता है फैट को इमल्सिफाई करना ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ़ फूड के बारे में ठीक है अब देखो ये ये गॉल बिल्डर है गॉल बिल्डर से आप देख सकते हो एक ये डक्ट निकल रहा है ठीक है तो ये डक्ट कहाँ ये डक्ट कहाँ से आ रहा है ये है आपका डक्ट फ्रॉम गॉल बेडर तो जो गॉल बेडर का डक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आता है ये पूछते हैं ये वॉट इज सिस्टिक डक्ट तो ये सिस्टिक डक्ट है यानी गॉल बेडर का डक्ट है और ये कहाँ और ये डक्ट कौन सा है ये डक्ट कौन सा है ये लिवर का डक्ट है तो ये हिपैटिक डक्ट हो गया और ये सिस्टिक डक्ट हो गया ये दोनों डक्ट कहाँ पे आके मिल गया देखो यहाँ पे आके मिल गया तो इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पर जहां पर सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट अब देखो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये नीचे एक्सटेंड कर रहा है और ये कहाँ जा रहा है ये जा रहा है पैंक्रियस में ये क्या है ये ये पैंक्रियस है ये कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा ठीक है तो ये पैंक्रियस में देख रहे हो डक्ट पैंक्रियस में देखो एक और डक्ट है ये ठीक है ऐसे इसको हम बोलते हैं डक्ट क्योंकि ये पैंक्रेट में प्रेजेंट प्रेजेंटली पैंक्रेटिक पड़ गया। अब देखो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये नीचे आया और पैंक्रेटिक के साथ के मिल गया। क्लियर है अब ये दोनों डक्ट जो है ये कहाँ पे ओपन हो रहे हैं ये ओपन हो रहे हैं डुअेनम में एंड डुडनम क्या होता है इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ये जो दोनों एक साथ ओपन होते हैं इन्हें हम कहते हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक डक्ट क्यों क्योंकि ये जो डक्ट है ये कहाँ से आ रहा है देख रहे हो आप मेन कहां से आ रहा है लिवर से आ रहा है तो इसका हमने नाम दे दिया हिपैटो और ये डक्ट कहाँ का है पैंक्रियस का है तो इसका नाम क्या हो गया पैंक्रेटिक डक्ट ये तो दोनों ओपन हो रहा है हिपैटो पैंक्रेटिक डक्ट की तरह ठीक है और ये दोनों कहाँ पे ओपन हो रहा है डूडोनम में इनके ओपनिंग को एक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ स्पिंक्टर ऑफ ओडी ठीक है तो द ओपनिंग ऑफ हिपैटो डक्ट डोडनम इज गाइडेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में आता है तो ये चीज आपको लर्न करना है आर नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियस इट इज हेट्रोक्राइन और कंपाउंड ग्लैंड ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या फिर हम हैट्रोक्राइन या फिर हम हैट्रोक्राइन को कंपाउंड भी कह सकते हैं तो ये कंपाउंड ग्लैंड भी है हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट मतलब इस ग्लैंड में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है मतलब कि इस ग्लैंड में एग्जोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है जैसे आप देख सकते हो बोर्ड पे मैं दो दिखाया हुआ है एग्जोक्राइन पोर्शन और एंडोक्राइन पोर्शन ठीक है और ये जो ग्लैंड है पैंक्रियस ये कहाँ पर लोकेटेड है ये लोकेटेड है बिटवीन द लिम्स ऑफ डुएडेनम आप देख सकते हो ये डुएडेनम के एक ये लिम्ब है एक ये लिम्ब है उसके बीच में ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज योर पैंक्रियस ठीक है तो हम बात करते हैं कि इस ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या करता है और एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या करता है ठीक है तो एक्सोक्राइन पोर्शन सीक्रेट्स एन एल्केलाइन पैंक्रेटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम जो इस ग्लैंड का एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो एल्कलाइन पैंक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करता है ठीक है और इस एल्कलाइन पैंकेटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आप देख सकते हो ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडिस पैंक्रेटिक एमाइलस न्यूक्लियस एंड लाइपेज ठीक है ये जो ऊपर के जो तीन हैं दैट इज ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडिस ये प्रोटिलोटिक एंजाइम है प्रोटिलोटिक एंजाइम मतलब कि जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है सो दे आर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम क्लियर है अब देखो जब किसी भी नाम में जेन लगता है जी ई एन या फिर प्रो लगता है ठीक है तो ये क्या शो करता है ये शो करता है कि ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव है ये, क्लियर है तो ट्रिप्सिनोजन काइमो प्रो दे आर इनएक्टिव एंजाइम जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड तो वहाँ पे हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव बनता है फिलहाल अभी फिलहाल अभी हम बस नाम याद कर लेते हैं जो फोर्थ है पैंकेटिक एमाइलेज है ना पिछले सेक्शन में हमने एक एंजाइम डिस्कस किया था सलाइवरी एमाइलेज है ना मैंने आपको बताया था उसमें कि अमाइल का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट वो सलाइवरी एमाइलेज था मतलब वो सलाइव में प्रेजेंट था और ये पैंक्रेटिक एमाइलेज है मतलब पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है ये

लाइप आपका होता है लिपिड मतलब ये फैट को डाइजेस्ट करता है सो इट्स अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम ठीक है तो ये सब जो एंजाइम है ये एक्जोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियस प्रोड्यूस करता है ये सारे एंजाइम जो जो दूसरा पोर्शन है पैंक्रियस का वो है एंडोक्राइन पोर्शन जो एंडोक्राइन वर्ड होता है ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं हॉर्मोन्स में यूज करते हैं क्लियर है ये जो पोर्शन होगा वो हॉर्मोन रिलीज करेगा और ये कौन कौन सा हॉर्मोन रिलीज करेगा इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकाकोन हार्मोन अब इंसुलिन हार्मोन होता क्या है इंसुलिन हार्मोन क्या करता है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकाकोन हार्मोन क्या करता है ब्लड शुगर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है ठीक है जब हम हार्मोन चैप्टर करेंगे तब हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इंसुलिन और ग्लूकाकोन जो होते हैं ये कैसे मिलकर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं फिलहाल हमें बस इतना जानना है कि जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है पैंक्रियस का दे प्रोड्यूस हार्मोन डेट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ठीक है तो बस हमें इतना ही पढ़ना था पैंक्रियस में तो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंडस है डेट इज़ सलाइवरी ग्लैंड लिवर एंड पैंक्रियस हमने कवर कर लिया है ठीक है अगर आपको कुछ भी डाउट्स है इसके रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया अगर वो समझ में नहीं आया या फिर आपके कुछ अपने क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी गिवन है आप मुझे मेल कर सकते हो ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें देखो आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वाकई में मैं आप लोगों के काम आ रहा हूँ ठीक है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एटलीस्ट कॉमेंट कर दिया करो ठीक है और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो जिससे कि उनका भी फायदा हो ठीक है तो इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू